मॉर्निंग व्यावसायिक शिक्षक, मैं आपका दीपक सिंह छात्रों, और ये पेपर सामान्य आधारित विषय का है जिसके अंदर कक्षा 12 के लड़कों को मैं संबोधित कर रहा हूँ। ये 11 के बच्चे भी समझ सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस मैंने पहले आपको दिखा दिया है, और ये 19 का एक पेपर है तो इसको थोड़ा सा आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए समय है और प्रत्येक अंक उसके सामने हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों का 25 शब्द में मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, और लघुत्तरी का 50 और विस्तृत उत्तरी के लिए 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। उसके बाद इसके अंदर और है कि आपका उसी चीज़ को इंग्लिश में है, और आइए बहुविकल्पी जैसे हेनरी फेयोल, ये इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान के लिए विख्यात हैं, और बाजार प्रबंध एक उत्पाद पे एक आधार उसमें जो है वो नहीं है बाजार प्रबंध में, तो वो कौन सा आधार है, जैसे कि कीमत है और विज्ञापन है, बाजार का प्रबंध करना है तो भौतिक वितरण आपका है, ये सब आपको करना ही होगा, उत्पाद का नहीं है इसमें। विक्रय पुस्तक का भाग है लाभ हानि, और पर्यावरण कार है क्या प्रदूषण नियंत्रण करने का। इस तरह के 2-4-5 सवाल छोटे छोटे आपको इसमें हैं, और उसके बाद देखिए आप फिर 4 सवाल दे के फिर 2 नंबर के इन्हीं का 25-5 लाइन में उत्तर देना है। समविच्छेद बिंदु क्या है, तो समविच्छेद बिंदु वह है कि जहाँ पे मतलब आप कोई लागत लगाते हैं और अपने को धंधा करते हैं तो जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं, और 5 लाइन में लिखिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का है। और प्रभावशाली कार्य योजना के लिए क्या आवश्यक है, सही बात है, ज़मीन कहाँ है, दुकान कैसे खोलना है, तो वो सब चीज़ें कोई भी आदमी आप बता सकते हैं कि अगर आपको एक दुकान ही खोलनी है या तो उस कार्य के लिए आपका मोटिवेशन अभिप्रेरणा होना चाहिए आप उसके प्रति हों, और लोकेशन सही हो और आपका जो है प्रोजेक्ट सही हो। हाँ हेलो बेटा। प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम बेटा। कह रहे हैं सर आज स्कूल बंद है क्या? हाँ बेटा आज स्कूल बंद है, हमने ग्रुप में दिया भी है आपको। आया तो नहीं है सर जी। ग्रुप में मैसेज डाला है? अच्छा कल के लिए सर डाले थे, आज भी डाले हैं, मंडे को स्कूल खुलेगा। अच्छा अच्छा, तो सर वो कह रहे थे टीसी मार्कशीट जो सर जमा करना है तो मंडे को लाएंगे। मंडे को 9 से 11 हम रहेंगे। अच्छा, और एकदम एक मिनट ना इधर ना उधर, आप आज 9 से 11 8 बजे आ जाइए, 8:30 बजे तो और अच्छा है। जी जी सर। हाँ आप एकदम देख के जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक, मैं बोल रहा था पूछ रही हूँ। तो छात्रों के फोन्स भी आ जाते हैं इसमें, तो डील करना ही है, बताना ही है आपको। उसके बाद इसमें उद्यमता की मृदा अवक्रमण क्या है, वही जो आप रासायनिक खाद वगैरह डाल रहे हैं, और पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन आपको सही रूप से मिले और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आपकी सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। पर्यावरण जो प्रदूषण, ये फैक्ट्रियों से भी धुआं, RHA में अक्सर मैं आपको बताता हूँ राइस हैश जो रोड पर फेंकी है, तो ये सब चीज़ें पर्यावरण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि जब आप जानेंगे तभी नई चीज़ों को अवशिष्टों को पहचान पाएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए है, ये आपका करीब 4 नंबर का है, तो इसमें आपको 50 शब्द मतलब 10 लाइन, और हर क्वेश्चन को एक पेज पे ही देख के, फिर ये नहीं कि एक ही पेज में दो दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, हर पेज के लिए क्वेश्चन नंबर अलग डाल के ही दीजिएगा। उद्यमता की गतिशीलता को समझाइए कि ये इस उद्यमता क्या है, हर जिला उद्योग कार्यालय पर आपको उद्यमता लिखा हुआ मिल जाएगा। उद्यमता का मतलब आप अपने अंदर के उद्यम को कैसे डेवलप करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो या दुकान के लिए हो या कहीं के लिए भी हो, जब तक आप एक अच्छे उद्यमी के गुण आपके अंदर नहीं रहेंगे तो आप जॉब में भी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो आप चाहेंगे।
तो उद्यमी आपको तो होना ही चाहिए अपने जीवन के प्रति। देखिए, किसान भी एक उद्यमी है। अगला क्वेश्चन है लाभ का, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, मतलब आप लाभ के क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत कर सकते हैं, आजकल अमेजन पर देख ही रहे हैं आप लोग, डिस्काउंट्स मिल रहा है, और कोई भी उत्पाद अगर आप देते हैं 3 पे 1 फ्री देते हैं, तो ये सब लाभ के प्लानिंग है। लाभ नियोजन के विभिन्न चरणों में हम आपको इस टॉपिक को भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर 5 10 लाइन में लिखना है तो देखिए नीचे, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, मतलब प्रॉफिट कैसे आप लेंगे। बहुत तरीके हैं आपके, आप विज्ञापन से भी लेंगे। उद्यमी कौशल से क्या आशय है? उद्यमी कौशल का मतलब हाथ में कोई स्किल उद्यमी के रहनी चाहिए, और उद्यमी कौशल से मतलब हमारा यही है कि हम उद्यमी जो भी हैं, आप जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कुशलता कितनी है, और उसमें उद्यमी को के कौशल को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताइए, मतलब उद्यमी के कौशल को, आपके कौशल को कौन प्रभावित कर सकता है। आप खुद ही प्रभावित करेंगे। अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा और पढ़ाई करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर वही चीज़ थोड़ा कम मतलब गलत संगत रहेगी तो वो उसका निगेटिव आपका प्रभाव पड़ेगा उद्यमी के ऊपर। तो उद्यमी को ये है कि आप अपना, आपको प्रभावित करने वाले कारक, आपका उत्पाद, आपका व्यवहार, आपका कुशलता, आपका बात करने का तरीका, यही सब चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर अगर हम 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आवे तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या है? तो लघु आप जान ही रहे, राइस मिल है जो 5 लाख से ऊपर हो। कुटीर उद्योग आप गांव में भरका बनाते हुए भी देख सकते हैं, और चूड़ा कूटते हुए भी देख सकते हैं, तो ये कुटीर उद्योग है। तो इसका महत्व तो देखिए बहुत ज़्यादा है, अगर ये नहीं रहेगा तो गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका महत्व तो भी है और आवश्यकता भी है। ये तो महत्व तो इसका यही है कि कुटीर उद्योग से ही गांधी जी ने चरखा से ही हमें सिखाया था और सूत बनाना, और उसके बाद राइस मिल तो सबके पास है। ये कुटीर मतलब ये छोटे हैं, और कुटीर उद्योग में पैसा कम लगता है, और लघु उद्योग मान लीजिए राइस मिल है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। एक परियोजना का चयन करते समय, कोई भी प्रोजेक्ट आप चयन कर रहे हैं या एक दुकान ही चयन कर रहे हैं, चलिए तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए भाई? वहाँ दुकान हो जहाँ ग्राहक ज़्यादा आए, और प्रोजेक्ट हमारा ऐसा हो कि जो थोड़ा उसके अंदर इनोवेशन नयापन हो, और जो है उत्पाद हमारा सही हो, उसकी गुणवत्ता सही हो, और आपका व्यवहार भी सही होना चाहिए। दोहरी प्रवेश के सिद्धांत को हम आपको बताएंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो गांव में चलता है ये भी आपको हम समझाएंगे। आसान आसान क्वेश्चन है। प्राकृतिक दृश्य के अनुकरण में क्या प्रभाव पड़ता है, और जल संसाधनों के संदोहन के प्रतिकूल। अब जैसे जल संसाधन आपके पास बहुत हैं, आप उनका जब दोहन करेंगे, पानी निकालेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान तो होगा ही, और उसके प्रभाव भी आपको मिलेगा। पानी का TDS pH बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये चीज़ें आप बढ़ जाएगा आप, मैंने TDS pH में वीडियो में इसको डाल के भी रखा है, TDS pH कितना होना चाहिए। तो जल संसाधन के जो है उनका प्रतिकूल जो है, मतलब अगर आप उसका दोहन कर रहे हैं तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और भूगर्भ जल नीचे चलता चला जाएगा। तो जैसे बिजली को जला के नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरह से पानी के नल को भी नहीं छोड़ना चाहिए चलते हुए, जिससे जल हमारा बेकार ना हो। आजकल लोग नीचे लाइट से जला देते हैं, ऊपर पानी गिरने लगता है, तो थोड़ी बात देर बाद जाके बंद करते हैं। तो यहाँ देखिए जल एक मूल्यवान स्रोत है, तो इसको आप समझाएंगे, क्योंकि 70% आपकी बॉडी में जल है, जमीन पर भी, पृथ्वी पर भी 70% जल है, तो इसे आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। और विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों को समझाइए। भगवान ने आपको बहुत से पर्यावरण संसाधन दिए हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पानी है, जो चीज़ आप नहीं बना सकते हैं, जैसे वृक्ष है और आप खुद हैं, क्योंकि आदमी आदमी को नहीं बना सकता, कोई कोई पेड़ नहीं बना सकता। और भूमि की उर्वरा शक्ति के रख रखाव के बारे में अपने विभिन्न जो है आपका
क्या है, कैसे मतलब इसका रख रखाव आप कैसे करेंगे, तो रासायनिक खाद वगैरह थोड़ा कम प्रयोग करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे जैविक खेती की तरफ। सरकार भी कह रही है, आप भी, हर लोग, अब सरकार क्या, हर लोग समझ चुके हैं, अब जान भी गए हैं। उद्यमता को परिभाषित करिए, वही अपने अंदर के कौशल का विकास करना उद्यमता है, और इसके लाभों का विवेचन ये करिए। विशेषता यही है कि अगर आप एक अच्छे उद्यमी अपने अंदर के उद्यम को डेवलप कर ले जाते हैं, उद्यम को समझ जाते हैं कि आप जैसे किसान हैं वो उद्यम करता है, तो आप निश्चित रूप से, चाहे वो एनसीसी हो या किसी सिपाही भर्ती हो, कहीं भी आप जो है आराम से इसका लाभ तो आपको मिलेगा ही। अथवा आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप जान ही रहे हैं कितना रासायनिक खाद हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो है कितना हानिकारक है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन, ये आपका 150 पेज का, मतलब 3 पेज इस पर आप लिखते हैं, ये अथवा करके रहेगा आपका 8-10 नंबर का। और उसी तरह से आपका देखिए बाजार की दशाओं को समझाइए, कभी बाजार ऊपर नीचे होता है, और उसके कारकों का कारण दीजिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कभी कभी सामान कम हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है। भारत के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों, मैं इसको आगे आपको दूंगा वीडियो में, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, तो परंपरागत तो आप जान ही गए हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके पास सूर्य सबसे बड़ा है, परंपरागत है। गैर परंपरागत तो आपने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, डीजल पेट्रोल, तो ये भी है। परियोजना प्रतिवेदन क्या है, या उद्योग विभाग में जाते हैं तो आप किसी परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं कि इसमें इसमें सारी आप अपनी लागत बताते हैं कि हम, मान लीजिए आप एक छोटा सा पेन बनाने का उद्योग लगाते हैं, तो उसकी पूरी लागत आपको और फायदा नफा नुकसान सारी चीज़ें इसके दिए जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख जो उद्देश्य होते हैं उसका वर्णन मैं आपको एक प्रोजेक्ट लेके जरूर करूँगा, और पिछले वीडियोज़ में मैंने किए भी हैं, आप चाहो तो उसे भी सुन सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँगा। और अथवा करके फिर वही देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, ये आपके गांव में ही है, पीएससी आपके गांव में है, आप बढ़िया समझा लेंगे इसको। और उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छा पूछ लिया है कि जो है आप इस उद्योगों को स्थापना करने के लिए आवश्यक रचनात्मक सुविधाएं क्या हैं। तो सही बात है, उद्योग विभाग कार्यालय है आपका, बैंक है, और ये आपके जो उद्योगों को स्थापित करने के लिए कई संस्थाएं, बैंक है, उद्योग विभाग है, और जहाँ से आप लाइसेंस लेंगे, तो जैसे खाद्य से है तो खाद्य का, और सब्सिडी भी सरकार भी आपको सुविधाएं देती है, मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी उद्योग, आपको इंडस्ट्री या उद्योग अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए तो क्या क्या आप सबको सरकार सुविधा देती है, यही आपको इसमें समझाना है 3 पेज में, छोटी छोटी हेडिंग डाल के। मैं इसको भी आपको वीडियो में दे दूंगा। और बीच में एक छात्र का फ़ोन आ गया था, उसको मैंने रिसीव कर लिया है, तो थोड़ा वीडियो 1 मिनट हो सकता है लंबा हो जाए छात्रों, बाकी आपकी मतलब की चीज़ है। ये सामान्य आधारित विषय में इसी तरह से पेपर क्वेश्चन आएंगे, आप छोड़िएगा मत किसी प्रश्न को, सबके अंदर देखिए 24 क्वेश्चन है, आप इसको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी है, आप इसे छोड़िएगा मत, सर चीज़ आपकी है। इसके अंदर पर्यावरण भी आप जानते हैं, ग्रामीण विकास भी आप जानते हैं, और उद्यम का विकास समझ लीजिए, किसान आपके पिताजी जो कि एक बहुत ही अच्छे उद्यमी हैं हमारे हिसाब से, मैं किसान से बड़ा उद्यमी किसी को नहीं मानता, क्योंकि वही एक है कि वो अपने टाइम मैनेजमेंट उसका इतना सही है कि वो टाइम से धान की रोपाई पाई सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो किसान से सीखें। मेरी मेरी थैंक्स छात्रों, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर थोड़ा सा पढ़िएगा, सुनिएगा, और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल दिया करिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर या उस पर वीडियो ज़रूर आपको दे दुआ करूँगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।